मैं कुलबीर सिंह श्योराम, मैं बैंक रिटायर्ड अधिकारी हूं। रिटायरमेंट के बाद में मैं सेक्टर 45 में एपेक्स सोसाइटी का सेक्रेटरी हूं। और आज सुबह एक अचानक ऐसी घटना हुई, आज नहीं बल्कि परसों से हुई, कोई रेखा भारद्वाज है, मैं नहीं जानता, उसका परसों से मेरे पास फोन आ रहा है। वो कह रही है मैं मुकेश शर्मा की बहन हूँ और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मगर मैडम बोलो किस विषय में मिलना चाहती हो? तो उसने ये कहा कि मुकेश शर्मा की मैं बहन हूँ और उसके लिए वोट मांगना है। मैंने ये कहा मैडम हम 5 साल से नवीन गोयल जी के साथ हैं और हमने उनके साथ काम किया है, उनको देखा है और हमने एक फैसला ले रखा है कि भाई हम नवीन गोयल जी को वोट देंगे। तो इसके लिए मुलाकात करने की कोई मुझे जरूरत नहीं लगती कि मैं आपके साथ बात करूं। तो वो बात, उसके बाद वो 3-4 घंटे बाद मेरी सोसाइटी आई, गेट पे आई है, सिक्योरिटी गार्ड के साथ लड़ाई करी, कहती सारी सोसाइटी के मेरे को रेजिडेंट के नंबर की लिस्ट चाहिए। तो उन्होंने कहा हम ऐसे नहीं दे सकते, किसी के प्राइवेट नंबर हम कैसे आपको शेयर कर दें, मना कर दिया गया उसको। फिर उसने कहा कि मेरे को प्रेसिडेंट के नंबर चाहिए, प्रेसिडेंट के नंबर चाहिए। तो उसने गार्ड ने ये कहा कि प्रेसिडेंट के नहीं है, सेक्रेटरी के हैं। तो उसने कहा नाम क्या है? कहते कुलबीर शर्मा। कहता नहीं उसको तो मैं देख लूंगी और मेरे को प्रेसिडेंट के नंबर दोनों उससे शिकायत करूंगी। तो वो कहने लगे हमारे पास नहीं। कहते रात को मैं दोबारा आऊंगी, मेरे को नंबर देना है। ये बात परसों की, कल रात को मैं सो चुका था 10:30 बजे मेरे पास फोन आया, विकास मल्होत्रा है। वो कहता जी सर हम आपसे मिलने आए हैं। मैं कहा कौन हो, कहाँ से आए हो? कहता है सेक्टर 45 से हैं। तो मैं कहाँ हो? कहता आपकी सोसाइटी के गेट पे खड़े हैं। मैं किस विषय में बात करनी है? कहते जी हम मुकेश शर्मा के लिए आपसे बात करने आए हैं। मुकेश जी बात करने वाली क्या बात, हर आदमी की अपनी स्टेट मेल होती है, हमारा अपना एक निर्णय है, हमने सोच रखा है। तो उसमें आपके कहने से मैं कोई ये थोड़ा कि बच्चा हूँ और मैं बहक जाऊंगा या मैं आप मेरे को टॉफी दे दोगे मैं बदल जाऊंगा। हमारा एक ही है कि हम नवीन गोयल को साथ दे रहे, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है। तो ये कह के ओके सर, ये कह के उसने फोन काट दिया, मैं सुन गया। उसके बाद आज सुबह लगभग 10 बजे की बात होंगी, उसमें वीडियो में टाइम होगा, मैंने सुबह कोई 15 करीब आदमी आए हैं। उसमें एक बलवंत मैं जिंदगी में पहली बार मिला हूँ, उसने बताया कि मैं मुकेश शर्मा का सगा भाई हूँ। एक और आदमी था उसको वो कह रही थी एक कजन है, और एक वो रेखा भारद्वाज जिससे मैं अब तक मिला नहीं था, वो भी साथ थी लेडी, वो भी साथ थी। और लगभग 10-15 के करीब और आदमी हुए। सुबह 10 बजे की बात है, सारे वीडियो, क्योंकि ये ज्यादातर हमारी सोसाइटी के गेट पे हुआ है जहाँ CCTV कैमरे लगे हुए हैं। उन्होंने पुलिस को भी बुलाया, वो जो ये होती है PCR मैन है, वो उसमें को लड़ाई होने के बाद में धमकाने के बाद में उन्होंने ये कहा कि PCR को बोला 112, उनको कहो कि ये हमें मुकेश शर्मा की कंपेनिंग करने से रोक रहे हैं। तो उन्होंने फोन कर दिया, तो चाहता तो मैं भी बुला लेता, कोई ऐसी बात नहीं पुलिस का, हम हरियाणा में बैठे आज से नहीं बैठे, 50 साल से बैठे, अच्छी तरह जानते हैं पुलिस को। फोन करें 112 पे आ गई, मैंने बाद में फोन किया उसके, जब वो निकल गए मैंने ही फोन किया उसके बाद। तो मुद्दा बताता हूँ कि मतलब गड़बड़ कहाँ से शुरू, हमें कोई दिक्कत नहीं मुकेश शर्मा वोट मांगे, प्रजातंत्र में सबको वोट मांगने का अधिकार है। हो सकता है मेरी सोसाइटी में 2-4 घर ऐसे हों जो BJP को वोट दें, जो कांग्रेस को वोट दें, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, जिसका मन जहाँ मिलता है वहाँ वोट दें, हम तो सिर्फ अपनी एक कंपेनिंग कर सकते हैं, वो हमारा राइट है। तो आज जो आए हैं, आज कहानी क्या हुई है, क्योंकि 2 दिन से उन्होंने पहले षड्यंत्र घेर रखा था कि ये लो सोसाइटियों का प्रतिनिधित्व करता है, सारी जगह मीटिंग करता है, तो इसको काबू करो। तो एक कोई राठी भी थे मेरे को धानी, बार बार वो राठी कह रहे थे, वो राठी भी मेरे को बार बार कह रहा, धमका रहा था कि भाई ऐसे एक लड़के ने, मैं फोटो में दिखा सकता हूँ उस लड़के को, उसने मेरी तरफ यूं करके मारने के लिए भी आया। और फिर उसके बाद लड़ाई बात बढ़ने लगी ना, मैं कहा जो तुमने करना हो करो, मैं चला और मैं अपने ऊपर फ्लैट में चला गया, गेट के सामने 3rd फ्लोर है, तो मैं नहीं था, मैं 3rd फ्लोर पे, तो मैं यूं था, मैं सामने रहूंगा, तो ये आदमी फिर बात होती रहेगी, सुनाई देता, लड़ाई होगी, तो मैं अंदर हो गया, शीशे में से देख रहा था, मेरी वाइफ वहां खड़ी थी, तो मेरी वाइफ मेरे को अंदर बता रही है कि वो ये कह रहे हैं कि उसको नीचे बुला लो, गाड़ी में डाल लो इसको। ये बलवंत और उसका जो कजन बता रहे थे, ये वो बोल रहे थे इसको गाड़ी में डाल लो, ये प्रजातंत्र है, ये दिल्ली NCR का प्रजातंत्र है। हालांकि मैं उसको साफ कह दिया जो हमने सोच रखा वो करेंगे, किसी दबाव में उसमें नहीं करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि गुड़गांव की प्रेस को ये पता होना चाहिए कि प्रजातंत्र का गुड़गांव में हाल क्या है, क्या इस तरह चुनाव लड़े जाते हैं, क्या इस तरह जीत ली जाती है। और मैंने उसको जब हाँ उन्होंने काम और किया, हमने सोसाइटी के अंदर 2 नवीन जी के कोई 3-4 महीने पुराने पोस्टर लगा रखे थे, वो पोस्टर फाड़े हैं, दोनों पोस्टर की मेरे पास फोटो है, फाटते हुए फोटो है, नीचे पड़े हुए फोटो है। तो ये प्रजातंत्र में मैं नहीं मानता, वोट किसी को भी दे सकते हैं, किसी को भी कोई, मेरी सोसाइटी में कुछ ऐसा आदमी है जो उसको मुकेश शर्मा को वोट देंगे, कोई दिक्कत नहीं, दो बड़े शौक से दो, हर आदमी का राइट है। तो जो ये हुआ ये गलत हुआ है और ये नोट होना चाहिए। और मैंने एक बात उनको पट्टा फाड़ के देखा था, नोट कर लेना, ये चुनाव में तुम्हें इसका जवाब भी मिलेगा। थैंक यू ऑल। लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।